हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज की दबंगी और बदतमीजी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति छात्रों को डरा धमका कर तू तड़ाक कर छात्र को थप्पड़ मार रहा है, जिसे आम आदमी पार्टी सहन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी छात्र को थप्पड़ मारने की घटना की कड़ी निंदा करती है और सरकार से हंसराज को तुरंत हटाने की मांग करती है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि पिछले कल चंबा के रैला स्कूल में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बच्चे के मुस्कुराने पर उसके सर पर थप्पड़ मारा और बच्चों से अभद्र भाषा में बात करते हुए नजर, जिसका वीडियो उनके अपने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चारों तरफ इस वीडियो की कड़ी निंदा हो रही है। आम आदमी पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है और ऐसे दबंगी भाजपा विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिसे तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि पिछले दिनों भी हंसराज का एक महिला के साथ व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है, जिसमें काम करने के बदले में महिला को रात में मिलने की बात कही जा रही है, जिससे भाजपा का असली चेहरा सामने आया है कि महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच है। हंसराज की इस हरकत पर ना तो पार्टी ने कोई कार्रवाई की और ना ही इस पर कोई संज्ञान लिया गया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा सैद्धांतिक और नैतिकता वाली पार्टी बनती है, लेकिन दूसरी ओर उनके विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वे बदतमीजी और दबंगी कर कभी छात्रों को मार रहे हैं तो कभी लोगों को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार से मांग करती है कि इन्हें तुरंत पद से हटाया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ही मूल्यों की बात करती है, उनके उपाध्यक्ष विधानसभा के अंदर जो बैठे हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष हैं वो, और एक संवैधानिक पोस्ट पे वो बैठे हैं, उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। वहाँ देखिए वो किस तरीके से बच्चों से व्यवहार कर रहे हैं, उनकी भाषा शैली, गाली गलोचो कर रहे हैं, बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं, और स्कूल की भी स्थिति आप देखिए कि जर्जर हालत में वो स्कूल और नीचे उन्होंने जो है बच्चों को बिठा के रखा हुआ है। ऊपर से ऐसा अभद्र व्यवहार बच्चों के साथ करना, कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी से और उनके नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसे ही सारे नेता हैं? एक तरफ आप बात करते हो कि हमारे पास जो लोग हैं वो बहुत रिफाइंड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और दूसरी तरफ आपका ये चेहरा। और जहाँ तक हंसराज जी की बात है, वो हमेशा ऐसी घटनाओं में स्लिप्त रहते हैं। 2 महीने पहले आपके समक्ष उनका एक देखा था आपने कि महिला के साथ उनका एक वार्तालाप जो वीडियो आ गया था, और कहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो अगले दिन मुख्यमंत्री के साथ स्टेज पर हंस रहे थे। और आज ये जो वाक्या हुआ है, जो उन्होंने बदतमीजी की है और बच्चे को एक चांटा मारा है, इस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री से मांग करती है कि तुरंत उन्हें जो है निष्कासित कर देना चाहिए, उन्हें संवैधानिक औहदे पे बैठने का कोई हक नहीं है। और जिस तरीके का व्यवहार वो हिमाचल प्रदेश के बच्चों के साथ कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा, और आम आदमी पार्टी इसके विरुद्ध जो कड़ा एक चंबा के अंदर कोई अगर अभियान भी छेड़ना पड़ेगा तो वो छेड़ेगी, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होने देंगे।